पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए थे। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली कि हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन यानी निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिवादन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा कि भगवन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते।
तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादों में शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक कर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, साथ ही छाता और जूते भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोघ संशयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदोपः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। इसका अर्थ है कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही धार्मिक तिथि त्योहारों की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हरे कृष्ण।